महेंद्र सिंह धोनी यानी कि माही आज मना रहे हैं अपना 39th बर्थडे। इंडियन क्रिकेट टीम के सबसे सफल कैप्टन और जिनके नाम शुमार है कई बड़ी जीत, उन्होंने हमें कुछ हिस्टोरिक जीत दिलाई है। और आज भी जब उन मैचेस को हम देखते हैं तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने का मन करता है कि देखो माही मार रहा है। जी हाँ, चाहे वो T20 की हिस्टोरिक जीत हो या फिर वर्ल्ड कप का वो वाला मोमेंट जब लग रहा था कि कहीं श्रीलंका ही ये कप ना ले जाए, तब वो कप आया अपने घर। और वो सब मुमकिन हुआ क्योंकि हमारे पास थे धोनी। और जैसा कि लोग प्यार से उन्हें कहते हैं कि जो अनहोनी को भी होनी कर दे वो है धोनी, तो धोनी ऐसे ही हैं कुछ। उनके कूल काम कंपोज नेचर के लिए वो दुनिया भर में जाने जाते हैं। और लोग आज भी जानते हैं कि जब भी हमारे चीकू यानी कि विराट कोहली को किसी भी एडवाइस की ज़रूरत पड़ती है तो वो सीधा पहुंच जाते हैं MS धोनी के पास। तो ये है MS धोनी का चार्म जो आज भी लोगों के सिर चढ़कर बोलता है। MS धोनी रांची के रहने वाले हैं। शुरुआती दौर पे उन्होंने पढ़ाई में उतनी दिलचस्पी नहीं थी, पर घर के प्रेशर की वजह से उन्होंने पढ़ाई करी। बाद में उन्होंने अपना मन बता दिया कि वो तो अपना करियर क्रिकेट में ही बनाना चाहते हैं। फिर क्रिकेट की दुनिया में कदम रखा और आज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन्स में से एक हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने 2010 में साक्षी से शादी करी उनको काफ़ी लंबे समय तक डेट करने के बाद, और आज वो दोनों एक हैप्पीली मैरिड कपल की तरह अच्छे से रह रहे हैं। उनके क्यूट सी बेटी है जीवा, जो कि आए दिन अपनी क्यूटनेस के वजह से ही सोशल मीडिया पे छाई रहती हैं। और इसके बाद MS धोनी के ऊपर बनाई गई एक ऐसी फिल्म जिसे हम बार बार देख सकते हैं। और ये फिल्म दो मायनों में खास है, क्योंकि ये धोनी की लाइफ के ऊपर है जिसमें हमने उनके लाइफ के दिलचस्प पार्ट देखे, और दूसरा इसलिए क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत ने इसमें किया था कमाल का अभिनय। और जब सुशांत सिंह राजपूत का जिक्र हुआ है तो आपको बता देते हैं कि MS धोनी और सुशांत सिंह राजपूत के बीच काफ़ी गहरी दोस्ती थी। दोनों प्रमोशंस के दौरान इतने करीब आ गए थे कि एक दूसरे के यहाँ पर समय बिताते थे। जाते जाते आपको एक दिलचस्प किस्सा बता देते हैं। एक बार जब धोनी ने सुशांत सिंह राजपूत का वो सीन देखा जहाँ पर वो हेलीकॉप्टर शॉट मार रहे थे, तो उन्होंने कहा, अरे तुमने तो हमको बिल्कुल कॉपी कर दिया, रणजी ट्रॉफी खेल जाओगे तुम। और उस दिन सुशांत सिंह राजपूत को ये यकीन हो गया था कि उन्होंने अपने रोल के साथ जस्टिस किया है। धोनी ने कई बार बताया था कि सुशांत सिंह राजपूत उन्हें हर जगह फॉलो करते थे और उनको कॉपी करते रहते थे। और इसी पर एक बार सुशांत ने भी कहा था कि भाई साहब अब देखिएगा, लोग ना मुझ में आपको ढूंढेंगे। तो इस तरह का था उनका बॉन्ड। 14 जून को जब खबर सुशांत सिंह राजपूत के ना रहने की धोनी तक पहुंची तो उनको काफ़ी बड़ा धक्का लगा था। और उनके करीबी लोगों ने बताया कि उन्होंने इस खबर को सुनने के बाद अपने आप को एक कमरे में लॉक कर लिया और अपने आसपास के लोगों से भी बात करनी बंद कर दी। एक दोस्त को खोया था उन्होंने और इसका गम उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था। खैर, आज उनका जन्मदिन है और ऐसे में हम उनको विश करना चाहेंगे अ वेरी हैप्पी बर्थडे, क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ हमें आपको बल्कि एक एंटायर जनरेशन को इंस्पायर किया है। इंस्पायर किया है ये कहकर कि अपने ड्रीम्स को हमेशा चेस करते रहना चाहिए। सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, अपना एक कूलनेस, कामनेस और अपने विवेक यानी कि अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से काम लेना चाहिए। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। कुछ और ऐसे वीडियोज देखने के लिए आप बने रहिए वन।